प्राचीन काल से ही चांद हमारे लिए एक उत्सुकता का विषय बना हुआ है। जब आप छोटे थे तो जब रात में चांद निकलता है तो खुले आसमान के नीचे बैठकर आपने जरूर ही अपनी दादी या नानी से चांद की कहानियां सुनी होंगी, जिन कहानियों में दादी और नानी अक्सर चंदा मामा कह के चांद को बुलाया करती थी। और ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में ही, आज भी चांद एक उत्सुकता का विषय बना हुआ है और चांद पर न जाने कितनी रिसर्चेस अभी यहाँ पर चल रही हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे चांद के एक दूसरे एस्पेक्ट के बारे में देखने की कोशिश। क्या होगा यदि चांद की साइज आज की तुलना में दोगुनी हो जाए? तो इसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास में दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट कहता है कि चांद का साइज सिर्फ दोगुना हो जाए और उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो उतना ही बना रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चांद का साइज डबल होने के कारण ये अपने खुद के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण कोलैप्स करने की संभावना बन जाती है। और यदि ऐसा होता है तो बहुत सारा कचरा, ढेर सारा कचरा ब्रह्मांड में चारों ओर फैलने लगेगा। उसमें से बहुत सारा कचरा अपनी धरती की ओर, धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट होकर इधर आने लगेगा और इस कचरे में होंगी ढेर सारी चट्टानें। यदि उसमें से कोई भी चट्टान, कोई भी रॉक अपनी धरती को से टकराती है तो हो सकता है धरती का विनाश हो जाए, और ये हम कभी भी नहीं चाहेंगे। इसको सोचने का एक दूसरा नजरिया भी है। यदि ऐसा हो कि चांद की रेडियस दोगुनी हो जाए तो इस केस में चांद का जो द्रव्यमान है वो भी 8 गुना हो जाएगा। अब यदि चांद का द्रव्यमान 8 गुना हो चुका है, साइज भी 8 गुना हो चुकी है। देखो, हम लोगों ने त्रिज्या 2 गुना करी तो उसके कारण उसका जो आकार है वो 8 times हो जाएगा। इसके कारण चांद अब काफी बड़ा हो चुका है, तो आप जो रात में छोटा सा जो चांद देखते हो वो काफी बड़ा दिखने लगेगा और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी काफी इंक्रीज हो जाएगी। अब साइज बड़ा होने के कारण इसकी जो ऑर्बिट है, जहां पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो थोड़ी सी डिस्टेबलाइज्ड हो जाएगी। और थोड़ी सी डिस्टेबलाइज होने के कारण समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनकी साइज पर फर्क पड़ेगा। साइज पर फर्क लगभग 8 गुना का फर्क पड़ेगा। मतलब अभी जो समुद्रों में लहरें उठती हैं 4 से 5 मीटर ऊंची, ये लहरें लगभग 40 से 50 मीटर ऊंची होने लगेंगी। और यदि ऐसा होता है तो जो समुद्र किनारों के पास में बसे हुए शहर हैं वहाँ उस जनसंख्या पर, उस आबादी पर इसका बहुत ही भयावह परिणाम होगा और इसके कारण उन्हें वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा। इसके साथ में ही जो धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उन प्लेट्स पर भी इसका असर पड़ेगा और इसके कारण धरती पर भूकंप आने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी और ये भूकंप पहले की तुलना में अधिक तीव्रता वाले होंगे। साथ ही जो सुप्त ज्वालामुखी हैं वो भी जागृत होने लगेंगे और ये ज्वालामुखी भी फटने लगेंगे। इसके अलावा हम लोग जानते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये आपने सुने हुए होंगे। तो ज्यादातर समय में आप आंशिक सूर्य ग्रहण देखते हैं, लेकिन चांद का आकार बड़ा होने के कारण ये आंशिक सूर्य ग्रहण लगभग पूर्ण सूर्य ग्रहण में कन्वर्ट होने लगेंगे। टोटल सोलार एक्लिप्स हम लोगों को अब ज्यादा दिखने लगेंगे और ये एक आम बात हो जाएगी। चंद्र ग्रहण के बारे में यदि हम बात करें, चंद्रमा की साइज बढ़ जाने के कारण अब चंद्र ग्रहण का होना कम होने लगेगा और हमें
अभी चंद्र ग्रहण बहुत ही कम दिखाई देंगे। साइज बढ़ने के कारण इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ने लगेगा और ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगा, उसका फोर्स बढ़ेगा, तो जो वायु के जो कण हैं जो अभी चंद्रमा की सतह पर अभी नहीं पाए जाते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वहां पर रुकने लगेंगे और रुकने लगेंगे तो वहां पर एक वातावरण निर्माण होने की, वायुमंडल बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है और शायद कभी ऐसा भी हो जाए कि वहां पर पूर्ण वातावरण तैयार हो जाए और शायद हमारे लिए वो रहने लायक कुछ जगह बनने लगे और हम अपने धरती के पास में ही एक दूसरा अपना पड़ोसी खोज लें जहां पर एक मानव बस्ती का निर्माण किया जा सके। तो हम लोगों ने चांद की दोनों साइड पर बात करी, एक स्थिति में भयावह स्थिति निर्माण हो रही है और दूसरी साइड में एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी हमारे सामने नजर आती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि इस वाली स्थिति में हमारे बचने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन कुछ जगह जरूर ऐसी रह जाएंगी जहां पर इसका दुष्परिणाम ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी जगह बहुत ही खुशहाली भरी होने की संभावना भी यहां नजर आती है। सो हम लोगों ने चांद के बारे में डिस्कशन किया साइंस की नजर से।